हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खट्टा मीठा आम का मुरब्बा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आम का सीज़न है और कच्चे आम मार्केट में मिलने लगे हैं। इस सीज़न में आम का अचार और मुरब्बा बनाना तो बनता ही है, ये सबको बहुत ही पसंद आता है। पूरी, किसी भी तरह के पराठे, कचौरी के साथ आप इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। स्पेशली बच्चे जो सब्ज़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, वे भी इसे बहुत पसंद करेंगे। ये हेल्दी भी है और आपको लू से भी बचाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं बनाना आम का मुरब्बा। मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ के आम लिए हैं। इन्हें अच्छे से धोकर और छीन लेंगे। ये आम करीब 400 ग्राम वेट के हैं। इन्हें अब हम इस तरह से पीसेस में काट लेंगे और बीज की गुठली जो है उसे हम हटा देंगे। पीसेस हमें ज़्यादा छोटे नहीं रखने हैं। ये देखिए, मैंने तीनों आम को छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अब हम मुरब्बा के लिए कुछ मसाले रेडी कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन हम गैस पर रखेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया, साबुत धनिया है, और 1 चम्मच सौंफ। इसे हम स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे कुछ देर के लिए। ये देखिए, ये सौंफ और धनिया रोस्ट हो चुके हैं, अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। अब हम पैन में 2 चम्मच ऑयल लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच 5 फोरन। फ्रेंड्स, 5 फोरन आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। अब हम इसमें कटे हुए आम के पीसेस को डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। इसमें हम डाल देंगे 1.5 चम्मच नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसी तरह कुक होने देंगे। फ्लेम हम स्लो रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद आम सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए, आम सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल हमें आम को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अब हम आम के पीसेस को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में 1 कप पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देंगे 400 ग्राम गुड़। फ्रेंड्स, आम भी हमने 400 ग्राम के करीब लिया था और उसी के बराबर हम गुड़ भी डालेंगे। जितना आम लेना है उसके बराबर वेट का ही हमें गुड़ भी लेना है। अब हम इसे मिलाते हुए मीडियम से हाई फ्लेम पर हम इसे गलने देंगे। गुड़ थोड़ी देर में मेल्ट होकर अच्छी तरह पानी में घुल जाएगा। ये देखिए, करीब 5 से 8 मिनट के बाद गुड़ अच्छी तरह पानी में घुल चुका है और ये इसकी चाशनी गाढ़ी भी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे जो मसाले हमने रोस्ट करके और ग्राइंड किया था, उसका 2 चम्मच हम इस चाशनी में डालेंगे और इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स। मैंने लाल मिर्च को दरदरा कूट लिया है, या फिर ये चिली फ्लेक्स आपको मार्केट में भी आसानी से मिल जाएंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह चलाएंगे। अब हम इसके बाद डाल देंगे इसमें आम, इसी तरह मिला लेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे।
अब हम इसे ढक देंगे करीब 5 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद ये हमारा मुरब्बा करीब करीब रेडी हो चुका है। ये देखिए आम भी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, चाशनी भी गाढ़ी हो चुकी है। इसे हम 2 मिनट के लिए थोड़ा सा और पकाते हैं मीडियम फ्लेम पर, और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये तैयार हो गया हमारा आम का मुरब्बा। फ्रेंड्स अभी ये गर्म है, जब ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। आप इसे कांच के बर्तन में रखिए और इसे आप 3-4 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। फ्रेंड्स आई होप मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो हिट कीजिए लाइक बटन को, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरी ऐसी ही एक आसान और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।